वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। दोस्तों, अभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पॉलिटी के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इस क्यू टेस्ट में पॉलिटी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसे आप देख करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट तक क्यूज को खेलिए और चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइनीजों ने। और ये पिछले 25 क्वेश्चन वाले वीडियो का क्यू फॉर यू के सवाल भी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? सवाल अच्छे हैं आपके एग्जाम के पर्पस से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर तीन, NH1 किसे जोड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को अमृतसर से। क्वेश्चन नंबर फोर, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? आपको ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर फाइव, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौवीं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका सिलेबस फॉलो करता है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर एट, सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीय क्षेत्र में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 11, पाक जल डमरू मध्य भारत के किस राज्य के नजदीक स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12,
पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11वीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। कुकी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 14। लोह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पालक को। पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। कोणीय वेग का इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उप सभापति को। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाघ, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20। चकमा किस देश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21। राउल केला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के कौन एक ऐसा राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1972 को। क्वेश्चन नंबर 25। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? सवाल इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं करे तो लाइक जरूर कर दीजिए,
और आप चाहे तो अपने दोस्त जनों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो शेयर करते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1906। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। बहुत सिंपल सवाल है पॉलिटी के। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।